बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ना किसी का बुरा चाहा, ना किसी को बुरा कहा, फिर भी काम सही ढंग से क्यों नहीं होता? फिर भी काम का परिणाम अच्छा क्यों नहीं होता? फिर भी जीवन में सुख शांति और समृद्धि क्यों नहीं होता? पर लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। वे रोज की कर्म में किस किस का मन दुखाते हैं, वहां वे भूल जाते हैं। किसको क्या उम्मीद दिखाते हैं, किसके साथ क्या वादा करते हैं और करके भूल जाते हैं। जीवन में जो सच में कर सकते हो और जिसके हम योग्य है, वही हमें बोलना चाहिए। किसी को छोटी छोटी चीजों का भी उम्मीद दिखाते हो और पूरा नहीं करते हो, वादा करते हो और पूरा नहीं करते हो, इससे आपका जीवन को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो ये आपको पता नहीं होगा। आपके लिए जो छोटी छोटी चीज है, वहाँ किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी चीज हो सकती है। जब वहाँ उम्मीद टूट जाता है तो उसके मन से जो नकारात्मक भाव निकलता है, उससे उस उम्मीद दिखाने वाले इंसान का जीवन में बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वादा करके जो आप नहीं निभाते हो, वे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसीलिए आज जो है वही कहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। लोग बहुत को उम्मीद दिखाते हैं अपने जीवन में और भूल जाते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ सभी चीजों से कुछ नहीं होगा, पर उनके जीवन में, उनके कार्य में यही सब चीज प्रभाव डाल रहा होता है, पर उनको पता ही नहीं। हमें अपनी भाग्य अच्छा बनाना है तो हमें अपना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जो हमें छोटी छोटी चीज लगता है, वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में ला सकता है। इसीलिए रोज कर्म करते हुए बहुत चीज ध्यान में रखना पड़ता है, और विचार करते हुए भी बहुत चीज ध्यान में रखना पड़ता है। आपने उम्मीद दिखाई, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और जिसने उम्मीद रखा, उसका जीवन भी उस उम्मीद के कारण दुखमय, पीड़ामय हुआ। इसीलिए उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है और उम्मीद दिखाना भी ठीक नहीं है। फिर भी किसी को उम्मीद दिखाते हो, वादा करते हो, तो उसको जरूर किसी भी हाल में पूरा करे। किसी कारण, आपके कारण से किसी का उम्मीद टूट गया तो तुरंत आपको उससे माफी मांगनी है। सोची समझी साजिश करके जानबूझकर उम्मीद नहीं तोड़ना है। गलती से ना चाहते हुए टूट गया तभी माफी मांगनी है। माफी मांगने से उसके मन में से जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही होती है, वे रुक जाता है, और आपके लिए बुरा भाव उसके मन में लंबा समय तक नहीं रहेगा। वे विचार उसके मन में लंबा समय तक नहीं रहेगा, और माफी से उसके भीतर प्रेम भी जग सकती है। पर आप रोज के जीवन में वैसा ही काम करते हो, उम्मीद दिखाते हो, उम्मीद तोड़ते हो और माफी मांगते हो, इसका
आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ माफी की कोई बात है ही नहीं। तो आपका जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे अपने कर्म में रोजमर्रा के जीवन में यहाँ छोटी छोटी चीज सदा ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखेंगे तो और उसी अनुसार कर्म करेंगे तो जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा, अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जीवन में बहुत कुछ करते हुए, बहुत बड़ा सोचते हुए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही हम नहीं करते हैं और जीवन भर उलझ जाते हैं। इसीलिए जीवन में ध्यान जरूरी है, काम पर, मन पर और रोज की जीवन पर। आपने किसी से पैसा उधार लिया जो आपका दोस्त है या आपका नजदीकी, आपने अपना दुख दिखाकर, सुनाकर, जरूरत बताकर उससे पैसा लिया और आपने वादा किया कि इस समय तक लौटा दूंगा। जब उस समय आ जाता है तो आप लौटा नहीं पाते हो, तो वहाँ इंसान आपको बोलने से भी उनको इग्नोर करने लगोगे, उससे भागने लगोगे या उल्टा ही उससे कुछ बोल दोगे। उसने तो आपका दुख को महसूस करके आपका सहयोग किया था, पर आपने क्या किया उसके साथ? वहाँ अपना ही पैसों के कारण बुरा बनना पड़ रहा है आपके साथ। सहयोग करके खुद उसको दुख झेलना पड़ रहा है। उसका भी परिवार होता है, उसका भी जरूरत होता है, तब आपको वहाँ सब दिखाई नहीं पड़ता है। इस समय उस आदमी के मन से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वहाँ पैसा लेने वाला आदमी के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और बात ये भी है कि पैसा देने वाला इंसान जबरदस्ती पैसा ले रहा है और उस देने वाला इंसान बहुत दुख के साथ घर के किसी सामान को बेचकर या बच्चों का स्कूल का फी ना चुकाकर हॉस्पिटल में खर्च करने वाला पैसा हो या किसी का हिस्सा काटकर दे रहा हो, तो वे पैसे से भी आपका भला नहीं होगा, भले ही आपका पैसा पाना हो उससे। पर वे पैसा आपके जीवन में अच्छा काम में नहीं आएगा। इसीलिए पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दोनों को ही ये बात ख्याल में रखना चाहिए। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो, किसी का सहयोग करते हैं तो, हम ये सोचे कि हम ये करने योग्य है, अच्छे मन से और अच्छे विचार से दे, और पैसा लौटाने वाला इंसान भी कृतज्ञता जताए। इस प्रकार से लेन देन करते हैं तो एक दूसरे के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी किसी से ऐसे 200-500 ले लेते हैं और भूल जाते हैं, भले ही बहुत ज्यादा पैसों की बात ना हो, 200-500 की बात हो। वह पैसा आपके लिए कम हो सकता है, पर वहाँ पैसा किसी के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी आप ऐसे कहते हो कि इतना सा ही तो है, इसके लिए क्यों इतना पीछे पड़ते हो, ऐसी बात कहाँ सुना देते हैं। ये बहुत बुरी बात है, कम या ज्यादा की बात नहीं है, वे अपने अपने अनुसार है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से हमारा जीवन में बहुत बुरा प्रभाव
पड़ रहा होता है। हम वे सब चीज देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जीवन भर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, तब भी जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना सुकून है, ना समृद्धि है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो यह सब चीजों पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी जीवन सुगम बन सकता है।